राम राम दोस्तों, आप सबके मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं माँ धारा देवी के दर्शन करने के लिए। तो गाइस अभी पहुंच गए धारा देवी मंदिर। देखो चल कपड़े चेंज वगैरह कर लिए, फिर पूजा करेंगे, उसके बाद कुछ खाना वाना खाएंगे, फिर निकले टूरनाथ के लिए। बड़ा अच्छा लगता है ना, बिल्कुल बिल्कुल पानी के बीच में हर मंदिर ना भाई, मंदिर जो बना हुआ है। हाँ, कह दे आपको दिखा दूँ मैं, यहाँ से व्यू दिखा दूँ पूरे मंदिर का। देखो भाई यहाँ से व्यू देखो यार, वहाँ पे नाथ जाएंगे तुम लोग। यहाँ से व्यू देखो, व्यू पूरा बद्रीनाथ से परसों जाएंगे। बद्रीनाथ की बात फ्री हो गया तो हम कुछ शायद भी जा सकते हैं। मंदिर मंदिर रास्ता कहाँ से है? यहाँ से आगे से ये चप्पल उतारो भाई, चप्पल उतारो भाई, स्लिप उतार दो, आ जाओ स्लिप उतार दो ऊपर ही, आ जाओ आ जाओ। तो भाई यहाँ पे ये स्लिप उतारने की जगह ही ठीक है, यहाँ पे स्लिप से हाँ ऊपर रख दो कोई। तो भाई यहाँ पे तो भाई ये जगह हमें स्लीपर उतारने के लिए, मंदिर से अंदर जाने से पहले यहाँ पे स्लीपर उतार देते हैं, ठीक है चले चलते मंदिर में। धारा देवी मैया के दर्शन कर लिए हैं, ठीक है अंदर क्या ना फोटो खींचना है, वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, तो इसलिए यमुनोत्री का रास्ता अलग है भाई, डिफरेंट रास्ता है बिल्कुल। तो भाई ठीक है दर्शन कर लिए बहुत अच्छे दर्शन में, तो भाई अब चलते हैं कुछ ऊपर और फिर कुछ खाएंगे, उसके बाद देखते हैं कहाँ चलना है, ठीक है शायद टूरना जाएंगे तो जितना रास्ता सफ़र तय हो सके उतना कर लेंगे, उसके बाद रेस्ट करेंगे फिर कल जाएंगे भाई, ठीक है। हाँ मिनटो भाई आपको थोड़ा व्यू दिखा दो, आपको गंगा में दर्शन कर लो। देखो ये भाई चलो बैठो उस वाले पर भी चलो, ठीक है गाइस। अब हमने अपने रूम में चेक इन कर लिया है, क्या था रास्ते में गए, रास्ते में ना हमने इधर खाना खाया था ठीक है, तो थक गए थे बहुत, ठीक है भाई ने कहा कि यार यही रूम लेते हैं रहते हैं ठीक है। तो गाइस देखो आपको लोकेशन दिखाता हूँ हमारी, देखो रूम की लोकेशन देखो, ये गंगा मैया बह रही है यहाँ पे, देखो यहाँ पे ठीक है। और गाइस के जस्ट सामने देखो हमारा रूम है जरा, तो गाइस कुछ ऐसा रूम है हमारा ठीक है। भाई पता क्या कल लास्ट से ही बाइक चला रहे हैं 11:30 बजे से, अब देखो 5-6 बज रहे हैं, तो बाइक चलाए जा रहे हैं ठीक है, ज़्यादा दूर नहीं रह गए हैं, तो भैया ने कहा थक बहुत गए हैं यार, काफ़ी लोग ड्राइव कर ली तो रेस्ट करते हैं, तो ठीक है आज रात ही रुकेंगे, कल सुबह हो सका जल्दी निकलेंगे यहाँ से ठीक है। तो भाई थोड़ा रेस्ट करता हूँ ठीक है, फिर आज सुनता हूँ। और भाई हाँ मज़ा बहुत आ रहा है वक्त में, सच में बहुत मेहनत है। देखो भाई व्यू देखो, आप एक बार व्यू देखो यार, देखो तो सही एक बार देखो, देखे ना फोक कैसा आ रहा है, फोक देखो देखो आपको सही दिखाता हूँ मैं, कहीं देखो देख रहे हो सारा फोक, ये देखो सारा फोक है सारा सारा, देखो भाई इतना मज़ा आ रहा है ना, इतना मज़ा आ रहा है। हाँ देख संभल के बाइक चलाओ सबसे बढ़िया है ठीक है, कोई जल्दीबाजी करो मत, आराम से जाओ आराम से आओ सबसे बढ़िया भाई ठीक है। तो भाई ठीक है मैं करता हूँ रेस्ट ठीक है, फिर आपसे मिलता हूँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो गाइस अभी हम रुके हैं रुद्रप्रयाग बाईपास रोड पर, एक गिरिराज होटल है गाइस, होटल बहुत बढ़िया है, खाना बहुत बढ़िया है, सीटिंग अरेंजमेंट बहुत बढ़िया है गाइस का। तो गाइस कल हुआ क्या ना, खाना वाना खाया हमने तो हम सब डिसाइड किया था कि 15-20 किलोमीटर और चलेंगे अभी ठीक है, तो कहते थोड़ा तो रेस्ट करते, रेस्ट करने की नींद आने लगी तो गाइस सब सो गए ठीक है। तो गाइस उठे हैं फ्रेश हो के निकलेंगे ठीक है, तो गाइस बस 15 से 20 मिनट में हम सब निकलेंगे यहाँ से फ्रेश हो गए ठीक है। गाइस कल पूरे दिन ना बरसात आई है, रात तो धूप की दी प्यार रही थे गाइस, तो गाइस अभी आए चाय वाय पीने के लिए। तो गाइस यहाँ से लोकेशन देखो यार, देखो गाइस लोकेशन, तो गाइस यहाँ देखो हमारी सिटिंग है, यहाँ पे ये हमारी सिटिंग अरेंजमेंट देखो यहाँ पे। तो गाइस बस तो चाय का मन करो चाय पियेंगे, ये क्या है चले यार।
तो भाई बस अब एक सब एक करके नहा रहे हैं, ठीक है। तो गाइस मैं जाऊँगा नहाने के लिए, ठीक है। तो गाइस अभी क्या कराना है, मैं चाय पीने गया था अभी, तो फिर क्या कहते हैं नहा के जाएंगे, तो नहा के नाश्ता तो कर लेंगे उसके बाद, ठीक है। तो नहाता हूँ मैं, चलते हैं फिर। तो गाइस रेडी हो गए हम, ठीक है। अब जाएंगे गाइस चाय पीने के लिए। उस टाइम गया ना तो यार नहाया नहीं था तो मन सा नहीं करा, तो चाय पियेंगे कुछ खाएंगे गाइस, उसके बाद से निकलेंगे टूंग नाथ के लिए नाश्ता करने के लिए, ठीक है। भाई तो अब दो नवीन भाई मिंटू नहा रहे हैं, तो हम सब नहा दिए, तो हम जाएंगे नाश्ता करने के लिए। वो कर गया है पहले, हम चल रहे गाइस। कल जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दी थी ना कि जो नदी बह रही है गंगा नदी है, ठीक है। ये गंगा नदी नहीं है, मैंने भाई से पता किया भी, तो भाई ने बताया अलकनंदा नदी है जो नदी हमारे होटल के साइड बह रही है ना। तो भाई ये अलकनंदा नदी है, ठीक है। उस गलती के क्षमा चाहता हूँ मैं, ठीक है। इसको आप ब्रेकफास्ट में वेट कर रहे हैं, नाश्ता कर रहे गाइस, निकलेंगे। तो गाइस हमारा ब्रेकफास्ट आ गया, हमने मंगाया गाइस आलू पराठा, हमें इसके पराठा था करते। तो दोस्तों हमने नाश्ता कर लिया है, ठीक है। तो अब चलते टूंगनाथ के लिए। तो गाइस ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया, ठीक है। तो सब बैग लेंगे, चेकआउट करेंगे और चलेंगे, ठीक है। सब रेडी हो गए हैं, ठीक है। हम चेकआउट कर रहे हैं, तो चलते हैं हम, ठीक है। मिनट हेमंत भाई, भाई सामान सब ले लिया है, सब कुछ चेक कर लिया, कुछ नहीं छूटा रूम में हमारा, ठीक है। तो वो शंकर भगवान की जय, जय। आज ये होटल था हमारा, ये सिटिंग अरेंजमेंट है खाने का, ये पका बहुत बढ़िया अरेंजमेंट है, खाने बहुत बढ़िया, चाय वैसा बहुत बढ़िया है, नहीं भैया बहुत बढ़िया इंसान है ये भी। तो भाई ठीक है चलते हैं, बाइक को साफ करते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से। और ये रखी हमारी बाइक है, भाई आपकी स्कूटी है। तो भाई ठीक है अब करते हैं गाड़ी साफ, देखो सब भाई कर रहे हैं गाड़ी साफ, उधर वो बैग वगैरह बांध रहे हैं, ठीक है। गाड़ी साफ करते हैं फिर बैग वैग बांधते फिर चलते हैं, ठीक है। गाइस ठीक है अब बाइक वाइक रेडी हो गई है गाइस, देखो सब भाई तैयार हो गए हैं, ठीक है। तो भाई चलते हैं गाइस, ठीक है। सब टू तो गाइस यहाँ पे हम हसीन वादों को लुफ्त लेते हुए बढ़ रहे हैं अपने सफ़र की ओर। तो गाइस पहाड़ों पे बाइक चलाने का मज़ा ही कुछ हो रहा है यार, तो रिक्स है अगर आप सेफली बाइक चलाओगे तो भाई बहुत मज़ा आता है, बहुत आनंद मिलता है। और गाइस व्यू तो इतना अच्छा है ना कि बस मन कर रहा है देखते रहो देखते रहो देखते रहो गाइस, बहुत ही अच्छा व्यू गाइस। तो बोलो केदारनाथ के लिए रास्ता कट रहा है, देखो जरा। बसु केदार, बसु केदार बोलो, जब यहाँ आ जाओगे तो यहाँ दो रास्ते कट रहे हैं, केदारनाथ के लिए ये बसु केदार के लिए, बसु केदार के लिए। भाई ये थोड़ी पहाड़ी है जो इसमें बहुत तेज शार्प कट्स है, बाइक से आना चाहते हो तो संभल के बाइक चलानी पड़ेगी, ये यहाँ से देखते हैं आप चल लेंगे वापसी आ रहे हैं। ये ज़मीन से काफ़ी ऊपर है, बादल छा गए हैं, जब हमने स्टार्ट किया था तो अच्छी खासी धूप थी और मौसम ठीक था। ये
दोस्तों रास्ते में हमें ये खूबसूरत झरना दिखाई दिया जो वाकई में बहुत खूबसूरत था गाइस। वीडियो में इतना ना दिख रहा पर सच में बहुत खूबसूरत झरना था गाइस। तो गाइस रुके अभी 5-7 मिनट रेस्ट के लिए, फिर तो बाइक को रेस्ट मिल जाएगा। और हमें क्या टुंगनाथ रह गया 14 किलोमीटर। दोस्तों जैसे जैसे आप टुंगनाथ के करीब पोजिशन पहुँचोगे तो आपको ना जगह जगह रुकने के लिए ना छोटे छोटे कैंप दिखेंगे जहाँ पे आप रुक के स्टे कर सकते हो, चाय नाश्ता वगैरह सब कर सकते हो। हमें तो चौपता पहुँचना था इसलिए हम यहाँ पे स्टे नहीं किया हमने आप यहाँ पे। बट तो गाइस बाकी सब लोग यहाँ पे कुछ को रुक के स्टे कर देते, कोई कुछ नाश्ता कर रहा था, कुछ खा पी रहा था। तो दोस्तों जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे हमें महसूस हो रहा था कि ऊपर काफ़ी ठंड है, ठीक है। और हमें बताया भी गया था कि ऊपर 10 से 12 डिग्री टेम्परेचर रहेगा, तो अपना उसी हिसाब से अपने कपड़े अपने लेके जाना। तो हम उसे कपड़े लेके गए थे। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ, मिलता आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तो गाइस नेक्स्ट व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, हम आपको लेके चलेंगे टुंगनाथ। तो गाइस जब तक इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलता आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। राम राम।